हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की स्टूडियो एनालिसिस वीडियो में। आज हम फिर से गोल्ड में एनालाइज करने वाले हैं फ्रेंड्स, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। गोल्ड में आज हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किस टाइप का सेटअप देखने को मिल रहा है और आज हम किस तरीके से एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज गोल्ड में कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर ले ताकि इसी तरीके की नॉलेज वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से गोल्ड 15 मिनट का टाइम मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कल के दिन हमारा गोल्ड में क्या एनालाइज रहा और गोल्ड ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, आप देख पाएंगे कल के दिन जो हमारा एनालाइज था बहुत ज्यादा आसान से एनालाइज था। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक पैरेलल चैनल को यहाँ मार किया था। सिंपल, ये पैरेलल चैनल का एक सपोर्ट लाइन था जब इस लेवल के आसपास यहाँ ट्रेड कर रहा था। उस टाइम पे हमारा व्यू क्या था, सिंपल सा व्यू था। हमने देखा मार्केट एक पैरेलल चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने के बाद अगेन एक सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमारा क्या व्यू था, सिंपल सा व्यू था, मार्केट सपोर्ट लेने के बाद हमें यहाँ से बाय में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब कहाँ तक बाय में देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया मार किया था। सिंपल, ये हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस एरिया मार किया था, ये वाला। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस इसलिए मार किया था क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने प्रीवियस टाइम रेजिस्टेंस तो लिया ही था, साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पैरेलल चैनल का एक मिडिल एरिया के आसपास भी रेजिस्टेंस आ रहा है। तो सिंपल था, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट इस लेवल के आसपास आ सकता है। और यहाँ से हमने क्या बोला था, यहाँ से हमने बोला था यहाँ से हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए और फाइनली देखिए यहीं से एग्जैक्ट मार्केट ने इस लेवल का रेजिस्टेंस लिया और यहीं से फॉल कर दिया। तो और यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारा टारगेट था, यहाँ पे जो हमने टारगेट दिया था इस लेवल के आसपास, देखिए काफी अच्छे से हमारा टारगेट यहाँ पे मार्केट ने अचीव कर दिया। तो कुछ इस तरीके से कल के दिन का जो हमारा एनालाइज था काफी आसान सा एनालाइज था और काफी परफेक्ट एनालाइज था। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमने पैरेलल चैनल ड्रॉ किया था, इस इमेज को मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जब मार्केट इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने आ रहा था उस टाइम पे हमने टेलीग्राम चैनल पर ये इमेज शेयर कर दिया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम समझते हैं गोल्ड में आज हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और किस तरीके से यहाँ से हमें एक कंफर्मेशन लेना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला हाई पकड़ेंगे और ये वाला यहाँ पे लो पकड़ेंगे और सिंपल फिबोनाची को यहाँ पे मार कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से फिबोनाची के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल हमारे सामने निकल के आ जाते हैं कुछ इस तरीके से। अभी ध्यान से अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको फिबोनाची का दो इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिलेंगे। कौन कौन से लेवल है फ्रेंड्स, देखिए 0.618% का एंड 0.5% का, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और एग्जिट मार्केट ने यहाँ से क्या किया देखिएगा, यहाँ से मार्केट ने इंस्टेंट फॉल किया। फॉल करने के बाद देखिए अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ से 50% का रिकवर किया। 50% का रिकवर करने के बाद देखिए यहाँ से फॉल करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए और मार्केट अभी रिजेक्शन कर भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ से फॉल करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से कंफर्मेशन लेना है ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। कंफर्मेशन लेने के लिए यहाँ पे आप अगर गौर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा भी देखने को मिलेगा। देखिए ये लेफ्ट शोल्डर है, यहाँ पे हेड बन जाएगा जी, और राइट शोल्डर अभी मार्केट ने देखिए यहाँ से कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से कंफर्मेशन लेना है, कंफर्मेशन के लिए सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हम हेड एंड शोल्डर का जो नेकलाइन है, ये जो सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। ये हमने सपोर्ट यहाँ पे मार कर लिया। अब यहाँ से हमें ट्रेड करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, कंफर्मेशन लेना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए जैसे ही इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, यानी ये हेड एंड शोल्डर का क्या है नेकलाइन, जैसे इस नेकलाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन के बाद आपको जैसे यहाँ से कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से ट्रेड सेल डायरेक्शन में हम प्लान कर सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट की बात करें तो इस एरिया के आसपास अपना टारगेट प्रॉफिट यहाँ से प्लान कर सकते हैं, 2024.600 के आसपास यहाँ पे अपना टारगेट प्रॉफिट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड यहाँ पे अगर आप बाइंग का सेटअप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आप बाय का सेटअप यहाँ पे देख रहे हैं तो किस तरीके से आप यहाँ पे बाय में अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट इस रेंज के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे अभी मार्केट रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। देखिए रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस सपोर्ट अगेन मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट हमें बाय में देखने को मिले। ठीक है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है ना काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट के बाद, इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद जैसे आपको यहाँ से कंफर्मेशन मिलता है, इसके बाद आप ट्रेड को बाय डायरेक्शन में यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। हो सकता है मे बी इस लेवल के आसपास यहाँ पे गोल्ड हमें हाई लगाता हुआ देखने को मिले। तो फिलहाल में तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो नेकलाइन है, हेड एंड शोल्डर का जो नेकलाइन है, इस नेकलाइन को यहाँ पे ब्रेक डाउन करने की प्रॉबेबिलिटी, इस लेवल को जैसे ही ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन के बाद यहाँ से हमें वेट करना चाहिए कन्फर्मेशन के लिए। जैसे हमें कन्फर्मेशन मिलता है फिर यहाँ से हम सेल वगैरह भी प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके का हमें एक आसान सा सेटअप देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स गोल्ड में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। आई होप आप भी इस तरीके से आज एनालाइज कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई, एनालाइज पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नया है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट करें फ्रेंड्स, ताकि इसी तरीके की नॉलेज वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। अगर आप फॉरेक्स सिग्नल यूज करते हैं या फॉरेक्स सिग्नल यूज करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टीम का व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।